अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोजे शोजे आप लोगों के सही गुजर रहे होंगे। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो यार आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाया करेंगी। तो यार आज मैं इधर से थोड़े से पैसे पूछे थे, इकट्ठे कुट्ठे कर रहा था, क्योंकि यार आप लोगों को तो पता ही है जिमी आजकल भाई ट्यूशन वगैरह में और यूनिवर्सिटी में बिजी है, और आजकल जो वर्कशॉप है यार वो मैं ही संभाल रहा हूँ। अभी सीधा मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सेमियन का बच्चा बहुत उंगले करवा रहा है, ठीक है, उसका जो भतीजा है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा उंगले करवाई जा रहा है और मेरा दिमाग वो ख़राब कर रहा है। तो अभी सबसे पहले मैंने जाना है वहाँ पर शोरूम, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं। डॉक्यूमेंट उठा के भाई फिर सेमियन के बच्चे को मैं ऐसा रगड़ा लगाऊंगा ना, ऐसा रगड़ा लगाऊंगा भाई ये ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं मेरे साथ हो क्या क्या है। क्योंकि यार जब भी मैं कोर्ट में जाता हूँ भाई साहब, वो अलहदा कोई ना दो टके के कोई बंदे खरीद के लेके आ जाता है भाई। वो कहते हैं जी हमने ये करना है, वो करना है, प्लान करना है, धमकान करना है, लेकिन भाई उसे आज मैं छोड़ना नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, काले का बच्चे को मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन काला भाई साहब हफ्शी कहीं का उसके साथ ही मिला हुआ है भाई। मुझे तो शक हो रहा है भाई उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ शोरूम पर उसकी कोई अपडेट लेता हूँ भाई साहब, काला साहब चुप होते हैं आगे से, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं कहते जी नहीं 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 आया, ये है वो कहानियाँ डाल रहा होता है काला भाई। इसीलिए यार मुझे काले के ऊपर भी शक है, लेकिन अभी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शक शुक है मुझे उसके ऊपर भी। लेकिन चलो छोड़ो, आज मैं समीर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई आज मैंने उसकी ऐसी ऐसी बजा देनी है, अगर उसने थोड़ी सी भी उंगल शुंगल करवाई ना भाई मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कसम खुदा की। मैं अब कह रहा हूँ रोज़ा रखा हुआ है, मैं भाई रोज़े की हालत में हूँ, उसे मैं आज भाई फना कर दूंगा यार आज। तो इधर शोरूम पे आ गया सिंपल, मैं डॉक्यूमेंट उठाने, उसके बाद सीधा मैंने जाना है जज के पास, फिर इसको मैं बताता हूँ, फिर इसकी सारी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। चलो यार अभी जाके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाता हूँ भाई, क्योंकि अपना यार कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं वो उठा के, उसके बाद मुझे फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इसका तो वैसे सफाया करना पड़ेगा आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं और मेरा जो दिमाग है ना वो शार्ट हो रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये चेक करें भाई साहब, पूरा का पूरा जो है ना मेरे जो डीलर्स थे ना उनके साथ इसका रब्ता हो चुका है भाई साहब, ये उन्हीं के साथ ही काम कर रहा है। ये काला क्या कर रहा है यार, ये गाड़ी भी इसकी यार डेली के हिसाब से साफ करनी पड़ती है, क्या मुसीबत है यार, कब जान छुटेगी। काले क्या कर रहा है? ओ अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या कर रहा है, किसकी गाड़ी साफ कर रहा है? अरे माइकल भाई कहाँ पर आ गए, गलत टाइम पे आ गए। अब माइकल भाई वो कुछ नहीं, वो अपना वो बॉस साहब आए हुए थे। कौन से बॉस आ गए? और माइकल भाई वो समीयन का यार वो भतीजा, क्या वो आया हुआ है? इससे तो भाई मैं निपटता हूँ जा। अरे माइकल भाई कूल हो जाए यार, अभी यार हाथापाई ना कीजिएगा यार, कूल डाउन हो जाए। अबे क्या हाथापाई ना करूँ भाई, शोरूम की वो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, तू कह रहा कि मैं कुछ ना बोलूं। देखिए माइकल भाई अभी आप ना करें, गार्ड शार्ड उसके साथ हैं, तो आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग पार्टी है यार, कुछ ना कुछ हमें कर लेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा करेंगे ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। माइकल भाई थोड़ा सा हाथ होला रखें यार, रमज़ान चाह रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई ठंडा छड्डा हो। अबे तू अभी भी इतना ठंडा है, तुझे पता तो है कल इसने क्या हरकत की उधर कोर्ट में? भाई माइकल भाई पता है मुझे इसने क्या हरकत की, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं ना, अब जिमी की हरकतें अब हमें ये तो पूरा करना पड़ेगा ना। अबे देखो मेरा पारा बहुत हाई हो रहा है, तो बस ये ना बहुत हो गया है। माइकल भाई देखें अभी हम ईद के बाद देखेंगे, ठीक है ना, ये मसला हल कर लेंगे, लेकिन ईद के बाद अभी भाई कुछ बचेगा तो फिर ही सारे डीलर्स के साथ तो इसके साथ हो गई है, हैं वो मेरी तरफ देख नहीं रहे। क्या हुआ माइकल भाई? अबे भाई जहाँ से मैं गाड़ियाँ बाइक कर रहा हूँ उसने तो भाई कह दिया सीधा सीधा कि भाई हम आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या डीलर्स ने कह दिया? हाँ जी, जहाँ से मैं गाड़ियाँ बाइक करता था, अभी मैंने गाड़ियाँ बाइक करनी थी, वो कह रहे हैं कि भाई हमने सारी गाड़ियाँ समीर को भतीजे को दे दिए। ए माइकल भाई ये तो गलत है। हाँ ये तो गलत है, चलो वो छोड़ो, अभी कहाँ पर बैठा हुआ है, मैं थोड़ी सी बात तो करूँ। माइकल भाई वो यार एक तो वो माइकल भाई की कुर्सी पर बैठा, माइकल भाई अपना बैठे तो मैं बुलाता हूँ। अबे क्या बैठूँ भाई, मैं जाके देखता हूँ ना क्या ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने, अभी जाके मैं चेक करता हूँ ना। अरे माइकल भाई बात तो सुने यार, बात सुन, थोड़ी सी मीटिंग चल रही। अबे किस चीज़ की मीटिंग चल रही है? उसका ऑफिस ये है ना, तो अपने ऑफिस में बैठे। लेकिन माइकल भाई बात तो सुने, मेरी थोड़ी सी बात सुन ले, मैं आपको उसे समझा देता हूँ। बेटा ये क्या कर रहा है, ये मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? माइकल भाई वो एक्चुअली कोई मीटिंग थी, तो मैंने, अबे काले तुझे पता भी है वो मेरा ऑफिस है, तो फिर उसे मेरे ऑफिस में इजाज़त तूने क्यों दे दी उसे? माइकल भाई वो कोई मीटिंग करनी थी, तो वो आप तो आ नहीं रहे थे, तो आजकल वो आपकी इधर ऑफिस में बैठ रहा है। काले इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। लेकिन माइकल अबे भाई कैसे समझाऊँ माइकल भाई को, आज ये ख़त्म है कसम से, आज ना ये बचेंगे नहीं। माइकल भाई देखें मीटिंग चल रही है ज़रूरी, अभी आप रुक जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरे रुको, हेलो 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 भाई कहाँ जा रहे हो? रुको इधर, रुक जाओ भाई साहब, इधर रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। देख नहीं रहे इधर मीटिंग चल रही है, कल इसे बाहर भेजो। माइकल भाई दो मिनट आ जाए ना, बाहर आ जाए।
अरे क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, मेरा ऑफिस और मेरे ऑफिस में आप लोग मुझे नहीं आने दे रहे। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? सर देखिए ये आके आगे घुटागड्डी कर रहा। माइकल आ ही गए। तुझे मैंने समझाया था ना, अपनी हरकतों से बाज आ जा, ठीक है? अब ये शोरूम पूरा का पूरा मेरा हो चुका है। ओ भाई देख, मेरे से ना हाथापाई ना कर, ठीक है? मेरा दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ है, ऊपर से तू अपनी हरकतें ये कर रहा है, ठीक है? जितनी देर ढील हुई है ना उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ पूरा, ठीक है ना? अभी ये जो अपना जो ऑफिस है ये मेरे अंडर में आ रहा है, ठीक है? तू जानबूझ के इधर बैठा हुआ है, ठीक है? जान के तपा रहा है तू मुझे। देखो तुमने अब ये भूल ही जाओ कि ये तुम्हारा शोरूम रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्द इस शोरूम के ऊपर कब्जे कर लेना है। तू मेरा घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा। अगर ऐसी बात है तुझे फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे जिसको जिसको बताना है बता रहा, तू नहीं जानता कि मैं अभी कौन हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, यू नो प्रेसिडेंट। अबे प्रेसिडेंट की ऐसी की तैसी तू जो भी बनने वाला हो, लेकिन मैं ऐसे नाजायज़ तरीके से मैं अपने शोरूम के ऊपर तुझे कब्जा नहीं करने दूंगा। ओ भाई तमीज़ से बात करो, हमारे हिसाब से तमीज़ से बात करो। अगर हम खड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो आता है बकवास करी जा रहा है तमीज़ से। अरे छोटे चुप कर जाए, चुप कर जाए, करने दो करने दो, इसको वक्त चल रहा है ना। अरे माइकल भाई बात तो सुने, तो तेरा वक्त अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है माइकल, ठीक है ना? तो मेरा बेटा चुप करके यहाँ से निकल जा, वरना तुझे बताइए ना खान क्या करेंगे। हाँ बेटा मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, तो तमीज़ से आराम से साहब कह रहे हैं ना, तमीज़ से चले जाओ। चलो ठीक है ठीक है, मैं अभी अपने हिसाब से तुम लोगों को बताऊँगा। आप माइकल भाई बात तो सुन लें, अभी मैं ना आप लोगों को अपने तरीके से बताऊँगा। अभी मैं इन लोगों को बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। ये ज़्यादा ही को आजकल चौड़े में आ रहे हैं, इनको मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे माइकल भाई बात तो सुने, मैंने आपको कहा भी रहा हूँ कि भाई अभी ना जाए मीटिंग। अबे काले तू चुप कर जा, तुझे मैंने इधर छोड़ा हुआ है कि भाई तू इधर नज़र रखो, तू उनके साथ मिला हुआ है। अरे माइकल भाई बात सुने यार, अगर मैं बदतमीजी करूँगा ये मुझे निकाल देंगे, फिर पूरा शोरूम उनके कब्जे में आ जाएगा। अबे अभी भी उनके कब्जे में ही है ना, तो अभी मैं अपने हिसाब से चलूँगा, अभी तू देखना। अरे यार ये माइकल भाई भी आपे से बाहर हो गए। माइकल भाई ठंडे दिमाग से काम लें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हर चीज़ उन्हीं के हक में है। चलो जिनके भी हक में है ना, अभी मैं अपने तरीके से इसे लूँगा। अब मैं बताऊँगा इन लोगों को मैं कौन हूँ। अरे माइकल भाई बात तो सुने, एक सेकंड ड्राइवर को कॉल करता हूँ। अरे अरे यार ये ड्राइवर, अबे माइकल भाई रुक जाए यार। माइकल भाई यार बात बढ़ जानी है। हेलो, हाँ ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ पर है? ओए माइकल क्या मैं याद कर लिए मैनू, मैं इतने ही अपना दे रहे थे। अच्छा ड्राइवर एक फड्डा हो गया यार। हैं की फड्डा हो गया, दस ना मैनू यार। ओए असल में यार वो इधर एक मेरा शोरूम के ऊपर ना वो जिमी के बच्चे ने कोई स्टाम्प पेपर के ऊपर वो देखे बगैर सिग्नेचर कर दिया थे, तो उसने मेरे शोरूम के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो आजकल वो बड़ा चौड़े में आ रहा है, ठीक है? तो मैं उससे बड़े प्यार से बात कर रहा था, लेकिन भाई आज से वो आपे से ना बाहर होता जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अपना फ्रैंकलिन भी आ गया है, ठीक है? हैं फ्रैंकलिन आ गया? हाँ हाँ फ्रैंकलिन भी आ गया, मेरी गल हुई है कल फ्रैंकलिन नाल। आजकल वो ट्यूशन पढ़ा रहे बच्चे। अच्छा तो ठीक है, कर लेने बंदोबस्त अंदर, ठीक है भाई? तू दस किस्ट में आवा? अभी तो नहीं, तू शाम को मेरी तरफ चक्कर लगा, इसका थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा तू बिल्कुल टेंशनल है, और कह रहा है कि आजकल वो प्रेसिडेंट बन रहा है यहाँ का। अरे प्रेसिडेंट दी ऐसी दी तैसी ऐसी, प्रेसिडेंट नु वैसे ही उड़ा उड़ू देने हैं, प्रेसिडेंट दी की गल है। तू टेंशन लो, मैं शाम ना हफ्ते तो बाद तेरे को चक्कर लाना। हाँ ठीक है जल्दी चक्कर लगाना। अबे भाई ट्रैवल भाई को क्यों बता रहे हैं यार, वो आपको पता है दिमाग का सर फिरा बंदा है यार, आप वो तबाह कर देगा सारा कुछ। हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, अभी इसको मैं बताता हूँ कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसकी जो तबीयत मैं ऐसे फ्रेश करूँगा ना, जिंदगी बार ये पछताएगा। अरे माइकल भाई यार कैसे समझाऊँ इनको। अरे माइकल भाई बात तो सुने, अबे काले अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। अरे यार क्या मुसीबत है यार, ये अब ये लड़ाइयाँ होंगी और यार ये शोरूम इनके हाथ से जाएगा और सारे मसले मसाले फिर क्रिएट हो जाएंगे। मैं भी चाह रहा था कि यार ईद के बाद हम ये तमाशा लगाएंगे, लेकिन माइकल भाई लगता है ईद से पहले कोई ना नया तमाशा लगाएंगे। अरे यार कैसे समझाऊँ, गलती तो ये भी कर रहा है यार, ये भी अभी चौड़े में बन रहा है, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊँ इनको यार। दोनों बड़ी पार्टियाँ भाई, दरमियान में तो मैंने पिसे जाना है, दरमियान में मुफ्त करना मैं पिस रहा हूँ यार। इससे अच्छा यही है कि भाई मैं ना एक हफ्ते की छुट्टी लेके ना सुकून से नारायण के गान चला जाता हूँ, तब तक ये खुद ही भाई मसला सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। जिमी की गलती की वजह से ना
इन दोनों में लड़ाई होगी और भाई ये जगह जाएगी जाएगी और फसाद भी होगा, मुझे पता है। अरे यार ये रिजवान का बच्चा अभी तक आ क्यों नहीं रहा यार, इतनी देर का मैं बाहर खड़ा हूँ। और रिजवान यार जल्दी बाहर निकल यार, अकेडमी जाना है यार। ये देखो भाई रिजवान के हल्के देखो, फिर मुझे कहता है मुझे घर से पिक करने हो। अब से भाई मैंने उसे घर से पिक नहीं करना, अभी फजूल में यार दिमाग का दही कर जा रहा है। अभी यार मैंने जाना भी है, आप लोगों को पता है भाई साहब फ्रैंकलिन भाई पढ़ा रहे हैं भाई साहब आजकल ट्यूशन वगैरह। हाँ जी कल देखा था भाई फ्रैंकलिन भाई आजकल वो BS कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया हुआ फुल भाई स्वैग वाला भाई, वो पढ़ाते वैसे अच्छा है। उनको भाई फीस मैंने दे दी है 15,000 रुपये। अभी बस इधर वेट कर रहा हूँ इधर ये अपना रिजवान का कर रहा हूँ भाई, रिजवान का बच्चा इतनी देर का अंदर घुसा हुआ बाथरूम में निकल नहीं रहा भाई। भाई उसका अब्बू आया कह रहा कि वो बाथरूम में ना बैठा हुआ है, हम दरवाजा खटका रहे निकल नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या कर रहा है बाथरूम में। और गाइस ये चेक करो भाई साहब, ये बैग चेक करो, पाकिस्तान वाला बैग लिया है भाई, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। मेरे पास बैग नहीं था ना तो ये मैंने ऑनलाइन बैग मंगवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है बैग की यार। ये चेक करो बैग की क्वालिटी, पाकिस्तान में यार अपना है तो ये मुझे मिला ऑनलाइन। चलो यार अंदर बैठता हूँ, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो यार मैं तो गाड़ी में बैठ गया, अभी ये आ जाए। ये चेक करो भाई, आवाज़ चेक करो गाड़ी की यार। मैंने अब सोच रहा हूँ कि इसको ना सेल करके कोई और गाड़ी ले लेता हूँ यार, मेरा अपना दिल उठा गया इस गाड़ी से यार। तो उसे वैसे शोरूम पर सेल कर दूंगा यार। वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। अबे रिजवान यार आ जा यार, पता नहीं यार कहाँ पर रह गया। अबे रिजवान, अरे दिमी भाई आ गया आ गया। अबे ये चेक करो, अबे भाई इतनी देर क्यों लगा रही तूने। अरे दिमी भाई वो अपना वाशरूम में था ना तो नहा नू रहा था। अबे वाशरूम में क्या कर रहा है तू, मुझे ज़रा बताई। अरे दिमी भाई रमजान है थराम कर लो कुछ। अच्छा 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 मैं समझा भाई तू टप 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 कर रहा भाई। अरे भाई दिमी भाई क्या कर रहा भाई, रमजान ने थरम कर ले कुछ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अरे भाई दिमी भाई तुमने वो अपना लेक्चर तैयार कर लिया ना आज, हैं कौन सा लेक्चर। अरे भाई वो फ्रैंकलिन टल ने दिया था जो वो वाला। अबे नहीं नहीं यार वो टेंशन ले। अरे वैसे तू कैसे फ्रैंकलिन भाई को जानता है। हाँ मैं, अरे भाई वो मेरा भाई है यार। अरे ना था, हाँ हाँ तो तुझे पता नहीं है उसका। अरे नहीं नहीं कसम से मुझे नहीं कुछ पता यार, तेरा क्या तल्लुक है उनके साथ। अरे भाई वो तो तैले थे कि फीस भी शायद तुझे वापस दे दे। अबे ना कर वापस दे देंगे। अरे हाँ मैं सुनने में आ रहा है वो तैले थे। अच्छा चलो यार ये तो फिर ज़बरदस्त है भाई, फिर कुछ चीज़ खा लेंगे भाई, अफ्तारी वगैरह कर लेंगे। अरे हाँ अफ्तारी डाल लेंगे, वो तेरे बाप तो भी ताल कर लेते। अबे ना कर, हाँ हाँ वो कह रहे थे कि वो अपना अपने बाप को माइकल को भाई को ना काल करूँगा और उनको बताऊँगा भाई, अब टेंशन ना लो इसका फ्यूचर मेरे हाथों में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है यार, ये तो फिर अच्छी बात है। इनके भाई फीस तो माफ़ हो जाए यार, बाकी चीज़ें छोड़ो फीस बस माफ़ होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ बाकी यार वो अपना आ नहीं रहा दूसरा तेरा दोस्त। अरे यार वो अपने तुझे पता वो कह रहा है मुझे गांव से आकर उठा जो, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि यार मैं गांव जाऊँ वहाँ से उठा के ले। अबे हाँ उतर क्या भाई बात के ऊपर आ गया यार, भाई कौन है भाई सुबह सुबह तेरे पास आए उधर से। अबे तुझे भी मैं उठाने आ ही रहा हूँ। अरे दिमी भाई आपका और मेरा प्यार मोहब्बत है ना। अबे चल निकल, प्यार मोहब्बत है बेटा बेटा मुझे आज वो होमवर्क करवा दी यार, तुझे पता है वो यार वो एक तो असाइनमेंट इतनी डेटा रहता है, इतनी डेटा रहता है। अरे भाई तू टेंशन ले, इसने अपने ना घर के क्लिप से गुजरता है वो मेरे, उसके ऊपर मैं ऐसा बोला डालूंगा रात को तो भाई वो सुधर जाएगा कुछ। अबे हाँ हाँ यार कुछ पैसे पुसे दे यार टीचर को, यार सबक सिखा इसको यार, बुरा डाल के ना इसको चुपेड़े करवाओ यार। चलो यार दुआ करो को यार आज फ्रैंकलिन भाई साहब आ जाए यार, आज ना तो फड़ा फ्रूट दें यार। अरे यार बुला देंगे यार, तू टेंशन क्यों ले ला यार, तुझे तो यार अच्छी तरह पिलाएंगे। हाँ यार फ्रैंक, अरे भाई दिमी भाई क्या कह रहा है। अबे यार सॉरी सॉरी गाड़ी इतनी यार ड्रॉप हुई है ना पता नहीं चलता। अरे भाई ऊपर दे तो भाई ताले तो उधर आ गए यार, तू क्या कह रहा है दिमी। अरे यार मुझे नहीं पता रहा यार, अब लेट हो गया मैं क्या करूँ। अरे जल्दी कर यार, इंग्लिश का यार है वो टीचर आई हुई है। हाँ टीचर है इंग्लिश की। अबे हाँ हाँ भाई टीचर आई हुई है भाई इंग्लिश की। तो यार ज़बरदस्त यार, मैं तो समझ रहा सिर्फ फ्रैंकलिन भाई नहीं बेचारा पढ़ाना इंग्लिश उंग्लिश। अरे नहीं नहीं भाई अभी इंग्लिश की टीचर आई हुई है, उसके बाद अपना वो क्या कहते हैं उर्दू की भी आनी है। हैं टीचर आएगी। अरे नहीं नहीं भाई टीचर नहीं आएगी, वो कोई बंदा आएगा गांव से। अच्छा तू वो बैग निकाल कॉपी शॉपी निकाल के आ जा। अरे ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो यार कह रहे हैं कि यार टीचर आई हुई इंग्लिश की, उर्दू का मेरे ख्याल से कोई आएगा अलग से यार, कोई टीचर आएगा मेरे ख्याल से। कह रहे गाँव से उसने आना है, पता नहीं वो भी आता या नहीं आता, लेकिन चलो भाई अपना तो सीन सेट है। अरे अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, बैठ जाए अपनी कुर्सी पे। जी जी मैम। यार लड़कियां वगैरह भी आई हुई हैं, और ये चेक करो भाई रमजान में देखो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भाई कहाँ पर बैठूँ मैं, जगह भी नहीं मिल रही यार बैठने के लिए। बुक उठानी थी यार, कौन सी बुक उठाऊँ। अरे यार ये इंग्लिश की बुक ये
ठीक हो गया भाई, रशियन को खा लूटा हूँ। मैम आप इतना गुड गुड से देख रही हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? एक नामहरम बंदे को आप देखी जा रही हैं। अरे यार चलो जल्दी जल्दी से जाता हूँ यार, वो इंग्लिश की टीचर आई हुई है भाई, उसने आज पढ़ाना है आज, और मेरा आज पहला लेटर है भाई। एक तो जिमी यार मुझे किताबें लेके से पता नहीं भेज देता है। अरे यार इंग्लिश की टीचर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना? चलो यार ये हमारी लाते की हैं। अरे धीमी भाई कहाँ पर चले गए? अरे भाई दोस्त बैठा है मेरा। अरे मैं तो उनका बैठने लगा हूँ इधर, ये क्या लिखा हुआ है ट्रू फॉल ये पता नहीं। अरे धीमी, अरे ये देखो भाई, जहाँ पर लड़कियाँ नजर आती हैं वहाँ पर बैठ जाता, फिर कहता मुझे थमा नहीं लगती, मुझे थमदाओ भाई, फिर मुझे कहता मुझे होमवर्क कराओ भाई, असाइनमेंट कराओ। अरे धीमी भाई, अरे हाँ भाई क्या क्या बोल रही जा रहा है? अरे भाई धीमी भाई आगे नहीं बैठना था? अरे नहीं नहीं यार तू जा, तू बैठ आगे यार, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे इधर ज़्यादा समझ आती है। अरे ठीक है भत्ती, जहाँ पर नज़र आ जाती है वहाँ पर बैठ जाता है। मुझे क्या भाई, इसके ताब में थी ना हो तो इसने भाई खुद ही लग ले रहा ना, मुझे क्या भाई, मैं तो इधर तुप करके ना बैठ जाता हूँ, क्योंकि टीचर की लेक्चर भाई फिर अच्छी समय लगती है। चलो बच्चों सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लो, ठीक है सब लोग। मैं आज आप लोगों को ना इंग्लिश का लेक्चर देने वाली हूँ, ठीक है। और किसी बच्चे ने शरारत की अगर मेरी क्लास में, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, मेरी क्लास में किसी ने भी बदतमीजी की उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और दूसरी बात, मिस्टर चिप्स के ऊपर सब लोगों ने एक एक मजमून लिख के आना है। अरे मैम मिस्टर चिप्स नहीं, कहाँ पर आ गई यूनिवर्सिटी में, मिस्टर चिप्स कहाँ पर आ गई? देखो मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं जो तुम लोगों को लिखवाऊँ। और तू क्या कर रहा है? अरे मैम बात सुने, अरे मैम, और देखो ये लड़का लड़कियाँ इकट्ठे ना बैठे, ठीक है, रमजान है, कुछ शर्म कर लो तुम लोग, ठीक है ना, तुम लोगों को शर्म लिहाज है ही नहीं है। अरे मैम हम क्या बैठे हुए हैं, आप पढ़ाए ना इंग्लिश का तो पढ़ाएं, ये मिस्टर चिप चिप्स कहाँ से आ गई हैं, ये तो नान साफी करें। दे तो नान साफी मैं नहीं करी। अरे तू इतने बड़े बात, देखो मैडम इतना तुम फिरने टूरने नहीं आई हो, ठीक है ना, काम करना है, ठीक है सब लोगों ने। और मुझे मिस्टर चिप्स के ऊपर एक पूरा मजमून चाहिए, फिर ही आप लोगों की इंग्लिश ठीक होगी। डू यू अंडरस्टैंड? और तुम लड़की जाके पीछे जाके बैठो, शाबाश, जल्दी जाओ, क्योंकि उसके बाद उर्दू के टीचर ने आ जाना है, वो पता नहीं कैसे होंगे, गांव से आ रहे हैं पेंडू कहीं के। पीछे जाके बैठो बच्चे, तुम भी पीछे जाके बैठो। हेलो सुनाई नहीं दे रहा? जी जी मैम, हाँ पीछे जाके बैठो, तुम सब लोग पीछे बैठो, मुझे मजमून लिखो जल्दी करो, मिस्टर चिप्स के ऊपर पूरा पूरा मजमून चाहिए। हाँ नहीं तो बाकी मैं अभी आप लोगों को लेक्चर लिख के दे रही हूँ, वो सब लोगों ने याद करके आना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? वो आज मुझे लेट हो गई है भाई, आज हमने बच्चों को पढ़ाना था, हम हैं उर्दू के टीचर बेद बादशाह, ठीक है, हमने भाई जाना है, अभी लेट हो चुकी है हमें, ठीक है, गला मेरा ख़राब है, लेकिन हमने आज बच्चों को पढ़ाना है, उर्दू का लेसन देना है, ठीक है, और शायरी शुरी कर दी है, ठीक है। और ये फ्रैंकल का इधर पास आए, होए चेक करो, ओए क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, मैं लगता है थी मैं पढ़ाना, चलो यार इतने जाके बच्चे थोड़ा पढ़ाने हैं, तलीम देने हैं कि किस तरह तुम पास होना उर्दू दे, ठीक है। ओए अकैडमी तो बड़ी वड्डी अकैडमी है, मैं समझा जी छोटी जी अकैडमी होनी है, लेकिन यह तो बड़ी वड्डी, ओए गड्डियाँ चेक करो भाई साहब, गड्डियाँ ही गड्डियाँ लाइया ने, स्पोर्ट्स गड्डियाँ, बड़ियाँ गड्डियाँ, छोटियाँ गड्डियाँ, लोहा ललन लद्दी सारा कुछ इतने छुपा के लाया हुआ है। चलो यार जाके उन बच्चे को पढ़ाने हैं, उन्होंने सबक सिखाने हैं कि भाई उर्दू जो तुझे कितना पास होना है। अगर तुम भी मेरे को अकेडमी लेना चाहते हो तो भाई नीचे नंबर दिता है, मेरा कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, कितना मैंने फ्रैंकलिन ने मेरा कॉन्टैक्ट किया, इसी तरह भाई तुम भी मेरा कॉन्टैक्ट करके उर्दू की क्लासा ले सकते हो, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोली जा रहा, लेकिन भाई बोलना पैदा है, जब टीचर बन जाता तो बंदे ने बहुत ज़्यादा बोलना पैदा है। हाँ जी भाइयों की हाल है, ठीक ठाक? ओए होए होए बंदे बड़े पज पुज गए, बंदे कितने गए सारे? अरे अस्सलाम वालेकुम थादी, क्या हाल चाल है? ओए वालेकुम अस्सलाम, वो तेरे मुंह जो पेड़ा बंदा मारे इधर दिले करता हुआ चिपा जा मुँह है तेरा। ओए ऐ कौन बैठा है? अरे ये तो जानी है। अरे जानी, ओए जेवे, और तू की कर रहे इतने जिमी? ओए जानी तू तो क्या करने आया, तू तो दूध शेयर करता था। ओए मैं इधर बेटा पढ़ाना है, तेरे नज़र नहीं आ रहा, ट्यूशन पढ़ा रहा मैं चुप करके बया, वरना मार मार कर तेरे कद्दू बना रहे हैं। ओए होए होए माहौल है इधर तो भाई, बहुत ही माहौल है, और तू बड़ा उदास बैठा कि सारिया ब्याह बैठा है, तेनू की होया? चलो यार पीछे जाके बह जा, चलो यार तुहानू मैं सिखाऊंगा गालिब दिया सस्तियाँ शायरियाँ। बच्चे ऐ देखो हैंडफियाँ ला के बैठिया ने, आज तुहानू पढ़ाऊंगा गालिब कितना मशहूर होया सी, गालिब दिया चवला सुनाऊंगा, ठीक है। गालिब बहुत ही चवल बंदा तो नहीं सी, अच्छा बंदा सी, लेकिन आज तुहानू मैं शायरी शुरी दिखाऊंगा किस तरह वो गालिब बनया, किस तरह गालिब नहीं बन सकता सी। सारे भाई अटेंशन हो जाओ, इधर मेरे ध्यान दो, ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उर्दू का लेसन, उर्दू की होंगे, उर्दू कैसा होंगे, उर्दू कैसे पढ़ाई,
यार वैसे मैं थक गया हूँ चौला माल मार के। चलो हम सीधा अपनी किताबा खोल लो और शायरी शुरी स्टार्ट करिए। कहने इंग्लिश दे बेचे इधर लिखे हुआ वा ए की लिखा हुआ स्कोर ए स्कोर कहने लिखा सारा रेज करो भाई साहब ब्लैक बोर्ड पर मैं शायरी लिखने लगा वा ए शायरी मैंने शायरी के लैके आना सुबह तुम सारे ने ठीक है ना। ठीक है नज़र आ रहा तुम सारे नु है चलो बात बहुत अच्छी बात। अबे यार जानी टूटो दूध शेल कट्टर इधर क्या करने आ गया। अरे भाई इधर क्या करने इधर बेटा पढ़ाने आया उर्दू का टीचर हूँ मैं ठीक है ना तमीज़ से पढ़ना है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है जानी भाई फिर मिलते हैं आपसे मुलाकात होती है बाकी मैं आपको मजबून से जून सारा कुछ लिख के आ जाऊँगा। चलो यार ये जानी भाई भाई ढूंढ वाला भी भाई इधर आया हुआ है भाई साहब फुल लेक्चर लुक्चर दे रहा है। चलो अभी शिरा घाट जाते अब तारीख चूड़े का भी टाइम होते हैं ना आप लोगों को तो पता ही है भाई अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अरे ये कॉल किसकी आ रही है यार एक सीखी यार सुन लो। हेलो हाँ काले क्या कह रहे हैं और शमीन को बटीजे ने अबे यार तो ट्रेवर भी आए हुए हैं। अबे यार ये क्या भाई फिर से लड़ाई तो नहीं स्टार्ट करने वाले। चल 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 ठीक है तू फोन रख मैं आता हूँ मैं आता हूँ। अबे यार क्या मुसीबत है यार ये पापा भी भाई क्यों लड़ी जा रहे हैं यार ईद के बाद कर लेना था लेकिन नहीं पापा ने भी अभी लड़ना है भाई। पता भी है कि मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहा हूँ उसके बावजूद भी पापा पता नहीं क्या करे जा रहे हैं उसके बावजूद भी पापा को समझ नहीं आ रही है लड़ाइयाँ करी जा रहे हैं लड़ाइयाँ करी जा रहे हैं। मैं उनको कह के भी आया था कि यार ये मसला हम बाद में सॉल्व कर लेंगे लेकिन नहीं अभी वो ड्राइवर भाई को बुला लिया उन्होंने वो पता नहीं अब क्या करेंगे यार वो तो बड़े खतरनाक बंदे हैं यार।